अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एंगल ग्राइंडर स्टैंड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। एंगल ग्राइंडर स्टैंड आपके नॉर्मल एंगल ग्राइंडर को क्रॉस कट ग्राइंडर की शेप दे देता है, और आपको अगर कभी भी अपने मेटल को क्रॉस में काटना है, एंगल में काटना है, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए जो यूजफुल टूल है वो क्रॉस कट ग्राइंडर का है, जिसको बिटर ग्राइंडर भी बोलते हैं। तो अगर आपने अपने नॉर्मल एंगल ग्राइंडर का को डुअल पर्पज़ यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका ये एंगल ग्राइंडर का स्टैंड बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको हम फिक्स करके असेंबल करके देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा असेंबल होके, और उसके बाद हम इसके साथ ग्राइंडर को माउंट करके भी देख लेंगे कि ग्राइंडर माउंट ईजिली हो जाता है इसके साथ या नहीं, और आखिर में हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसकी हम लोग देख लेंगे क्या प्राइस है, और इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है ग्राइंडर जो कि मैंने दराज से परचेज किया है। तो इसको हम लोग बॉक्स जल्दी से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये है इसकी इसका बॉक्स, और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी स्टैंड फॉर एंगल ग्राइंडर 801, प्राइस गुड क्वालिटी, लो प्राइस, कन्वीनियंट, सेटिस्फाई योर वर्किंग डिमांड। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 115 mm टू 125 mm, यानी कि 4.5 से 5 इंच डिस्क वाले जो ग्राइंडर्स हैं उनके साथ या उनके लिए ये स्टैंड है। तो ये मेरे पास जो ग्राइंडर है वो 5 इंच का है, तो इसको हम लोग भी फौरन ओपन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस तरीके से ये लगता है। सबसे पहले इसके साथ ये टूल्स हैं, इसके ये इसके बोल्ट हैं सारे, और इसके साथ इसकी एंट्रीज हैं, जिसके साथ इसके स्क्रू हम टाइट करेंगे। उसके बाद ये इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये है इसके साथ इसका जो हैंडल है, सेफ्टी कवर है इसका, और ये इसकी बेस है, और ये इसके साथ इसका रीडिंग मटेरियल जिसके अंदर इसको असेंबल करने का तरीका लिखा हुआ होगा। तो हम इसको जल्दी से इसके साथ असेंबल कर लेते हैं। सबसे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने अपने ग्राइंडर के साथ उसकी डिस्क अटैच कर लेनी है, और ग्राइंडर को साथ में रख देना है। उसके बाद आपने इसकी बेस के ऊपर काम शुरू करना है। इसकी बेस के साथ ये दो इधर एल दो बोर नट लगे हुए हैं, वो आप लगा देने यहाँ पर इसके साथ ये एक नट लगाकर, और इसको इस आप इस पीस को आपने अटैच कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने इसको इसके साथ इसकी उसके साथ इसका नट लगा देना है, और उसके बाद अपने इसको टाइट कर देना। उसके बाद दो नट यहाँ लगेंगे, ये नट लग गया। इसके बाद यहाँ पे एक नट लग गया, सब नट सबके साथ ऑलमोस्ट वॉशर अवेलेबल है, तो ये वॉशर आप लाजमी लगा लीजिए।
यहाँ तक का काम हो गया जी बेस का। इसको हम साइड पर रखेंगे, इसके बाद उसके बाद आपने ये हैंडल वाला एरिया पकड़ लेना है। हैंडल के ऊपर सबसे पहले तो ये जो इसका एक्चुअल हैंडल है वही लग जाएगा, उसके ऊपर ये यहाँ पे एक नक्शा लगेगा। उसके बाद ये दोनों पीसेस की बारी आएगी, इन दोनों पीसेस के साथ एक वॉशर अवेलेबल है, तो वॉशर आपने सबसे पहले ऊपर रख लेनी है और वॉशर के बाद आपने इसको इस तरीके से रखना है कि ये वाली साइड अंदर आ जाएगी। आप इसके साथ इसका ऐसे ही जैसे ये लग गया इस तरह ही इसकी दूसरी साइड लगानी है। दूसरी साइड के लिए भी आपने सेम इसी तरीके से दो चीज हमारी मुकम्मल हो गई है। अभी आपके पास दो ये इस तरह के बड़े नट अवेलेबल है, ये आपने इस जगह इस सुराख में और इस सुराख में भी आपने लगाने। और इसके साथ इसकी यहाँ पे इसका दूसरा नट लगा देंगे। ठीक है, अब आपने इस स्टैंड बेस के ऊपर स्टैंड को रखना है। ये दो जगहें जहाँ पे ये आपकी बेस अटैच होगी, ये आपने इसको वहाँ पे ऐसा प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स उसके बाद आपने इस कैंडल को यहाँ फिक्स करना है और जितना इसको कितना चाहिए उसके हिसाब से ये वाले शेड्यूल को आगे पीछे करके आपने एडजस्ट कर देना है। और ये वाले जो बोर्ड हैं ये आपने इन कॉलम्स के अंदर लगा देने, जो कि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे लगाए थे। उसके बाद आपने 12 नंबर की 14 नंबर की थोड़ी चाबी से इसको टाइट कर लेना। जैसे हम लोगों ने नीचे से टाइट किया वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से भी टाइट कर लेना। इतना आपने टाइट कर लेना कि ये हिलना जुलना इसका बंद हो गया। तो सारे काम आपके हो जाएंगे। फिर आपने बेस को और उससे पहले आपने देख लेना है कि आपने इसका कहाँ पे रखना है, जहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ से उसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, तो ये आपका असेंबल हो गया है। इसको अगर आप क्लोज करके दिखाऊँ तो ये बेस के ऊपर आपके पास ये जो बेस है इसके ऊपर आपके पास इस क्लैंप को खोल कर इसको आप यहाँ से लूज करके इस क्लैंप को खोल सकते हैं और खोल के आप जितना आपने यदि आपको चाहिए ये अप टू 85 mm तक का जो है स्पेस में आप जितनी भी आपके पास पाइप या कोई भी चीज़ हो आप उसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। इसको ये क्लैंप जो है वो 85 mm तक का आपको पोजीशन देता है। उसके अलावा अगर आप एंगल करना चाह रहे हैं तो ये आप एंगल भी इससे कर सकते हैं। एंगल के लिए आपको यहाँ और यहाँ पे ये इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। 45 डिग्री का भी एंगल हो सकता है इसके अंदर मैक्सिमम, बाकी 30, 15 और 45 मैक्सिमम 45 तक आप एंगल इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपने ये एंगल यहाँ से बनाकर और उसके दोनों उधर से भी और उधर से दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी असेंबल है और हम इसको प्रैक्टिकल चेक करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये हमारे पास सारी जो चीज़ें वो हमने टाइट कर दी हैं। चलिए फ्रेंड जी, मेरे पास एक सरिया का टुकड़ा है रोजर का, इसको हम एक दो बार ज़रा कट करके देखते हैं इससे। और इसके मैंने क्लैंप्स को जो है फिलहाल सीट में ही रख लिया, टाइट मैंने इसको नहीं किया। अगर हम इसके ऊपर एंगल का भी चेक करना हो तो वही करके देख लेंगे। फिलहाल हम इसमें पड़ती इसको देखते हैं। ये इसने सरिया तो देखिए जी बिल्कुल सही तरीके से काट दिया है। अब सरिया इसने बिल्कुल सही तरीके से काट दिया, बल्कि इसने जो अब इसको हमें देखना ये पड़ेगा एक इसी तरीके से। हम लोग एक और भी हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको होता है। मेरा ख्याल है इसकी ग्राइंडर की स्पीड थोड़ी सी हमें जो है वो कम कर देनी चाहिए। हमारे पास ये भी पीस इसका कट गया है, तो इसने काम तो सही किया। अब इसको हम लोगों को इसका एंगल और इसकी हम कटिंग करके देखेंगे। उसके लिए सरिया तो बेहतर चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें पाइप हमारे पास होना चाहिए। पाइप को हम लोग एंगल पे काट के देखेंगे कि ये किस तरीके से एंगल कटिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने इसके ऊपर लाइव टेस्टिंग भी करके देख ली है। दो हम लोगों ने सरिया के टुकड़े काट के देखे हैं, इसके ऊपर काम इसने परफॉर्म कर दिया है। अब टाइम टू टाइम हम लोगों को जैसे इसकी प्रैक्टिस होगी तो हम इसकी बेहतर यूटिलिटी ले सकेंगे इससे। बाकी इसकी एंगल कटिंग के लिए हम लोगों को पास पाइप का टुकड़ा होना चाहिए, क्योंकि सरिये के साथ एंगल कटिंग तो नहीं टेस्ट हो सकती। बाकी इसको हम लोग गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे इसके मज़ीद यूटिलिटी। अब अगर इसकी हम लोग जस्टिफिकेशन देखें इसकी यूटिलिटी की, तो ठीक है, ये एक अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ये ले लें, ये उसको एक एडिशनल आपको बेनिफिट दे देगा। लेकिन अगर आप कोई इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप फिर क्रॉस कट सा ही लें, क्योंकि उतना यूज़फुल नहीं है जितना क्रॉस कट सा होता है। ठीक है, आपका जो नॉर्मल वर्क है वो ये परफॉर्म कर देगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने इसके अंदर इसकी फर्स्ट लुक भी देख ली है, असेंबलिंग का प्रोसेस भी इसका हमने देख लिया है, और हम लोगों ने इसकी जो उसके बाद प्रैक्टिकल इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी देख ली है, और इसकी प्राइस हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस की तकरीबन 3500 रुपीज़ का है। प्राइस के हिसाब से ये अपने आप को चीज़ जस्टिफाई करती है। अगर आपके पास ग्राइंडर है एंगल ग्राइंडर, तो आप इसको जो क्रॉस कट सॉ है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। लेकिन अगेन वही चीज़ कि अगर आपने इक्विपमेंट परचेज करना है तो फिर आप ये ना करें, फिर आप क्रॉस कट सॉ ही खरीदिए। तो फ्रेंड्स गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर हम जो मजीद टेस्टिंग करेंगे तो आपको उसकी भी वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।